फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ओडी है वो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि वो अपनी कार लॉन्च करने वाली। आपको पता ही होगा कि ओडी है वो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जो है, जो कि ईट्रॉन और ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक, वो दोनों कार है वो इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो आपने उसके रिलेटेड वीडियो देखे ही होंगे, यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम, आपने कहीं ना कहीं उसका वीडियो देखा ही होगा। और नहीं देखा तो आज मेरे बारे जो वीडियो है उसमें जान लीजिए कि क्या क्या उसमें आपको देखने को मिलता है। वैसे इस वीडियो में मैं वो कार के कुछ और बात नहीं करूंगा, लेकिन कार की अंदर से बात करेंगे हम, यानी कि कार की जो डिटेल्स होती है, उसका स्पेसिफिकेशन, बैटरी पैक हो गया, फिर जो एक चार्ज में कितना ये ड्राइव प्रोवाइड करती है, पावर हो गया, इसके सारे ये टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों, एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो कार है वो पहले लॉन्च हो जाती, लेकिन जो अभी का समय चल रहा है, जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से ये लेट हुई है। तो इसका जो लॉन्च है वो आपको जून 2021 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि थोड़े महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट होगा वो ईट्रॉन होगा और जो सेकंड होगा वो ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक होगा, यानी कि जो स्पोर्ट्स बैक है वो आपको एक स्पोर्टी वेरिएंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये दोनों मॉडल है, उन दोनों मॉडल में आपको तीन वेरिएंट, उन तीन वेरिएंट के साथ साथ आपको इस दोनों मॉडल में दो बैटरी पैक, ये दो आपको ऑफर किया जाएगा। दोस्तों, अभी बात करते हैं इसमें बैटरी पैक की, तो बैटरी पैक आपको 71 किलोवाट आवर का और जो दूसरा बैटरी पैक वो 95 किलोवाट आवर का, ऐसे करके आपको दो बैटरी पैक दी ऑफर किए जाएंगे इसमें। और दोस्तों, इसके वेरिएंट की बात करें तो इसके वेरिएंट में आपको 50 क्वाट्रो, 55 क्वाट्रो और एस, तो इस तरह के आपको तीन वेरिएंट है वो ऑफर किए जाएंगे। और गाइज, यहाँ पर जो 50 और 55 क्वाट्रो जो दो वेरिएंट है उसमें आपको ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है, जो कि 408 पीएस का पावर जनरेट करेगी और 664 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। और दोस्तों, इसमें आपको बूस्ट करके एक मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कार में 48 पीएस का पावर और 103 नैनोमीटर का जो टॉर्क है वो एक्स्ट्रा जनरेट होगा, यानी कि जब आप बूस्ट मोड ऑन करोगे तो ऐसा जो पावर और नैनोमीटर का वो आपको एक्स्ट्रा एड हो जाएगा अपनी जो कार की जो मोटर है उसमें। और गाइज, यहाँ पर जो एस वेरिएंट है वो आपको तीन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगा, यानी कि बहुत ही पावरफुल आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। जो तीन इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंबाइन होकर 500 पीएस का पावर जनरेट करेगी। ये दोनों वेरिएंट आपको ईट्रॉन एंड ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक आता है, उन दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये दोनों मॉडल है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ये जून है, जून के महीने के बाद या फिर जून के महीने में इसका लॉन्च आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद ये बिकना भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अभी एक और बात की, जो ईट्रॉन और ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक है उसमें चेंज क्या है, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों मॉडल अलग अलग है। तो जो ईट्रॉन और ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक है उसकी जो रूफ लाइन आती है, वो रूफ लाइन और उसके जो बैक आता है, जो बैक बम्पर आता है, रियर बम्पर जिसे हम कहते हैं, उन दोनों में आपको थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे। फ्रंट में से आपको दोनों सेम देखने को मिलेगी, लेकिन रियर से वो कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप पहचान सको कि ये कार ईट्रॉन है और ये कार ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक है। तो ये कार कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जो ईट्रॉन है उसकी मैं डिटेल के बारे में आपको बताता हूँ, तो उसकी मैं क्या क्या डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ईट्रॉन का 50 क्वाट्रो जो वेरिएंट है उसके बारे में बताता हूँ, तो इसमें आपको 312 पीएस का पावर देखने को मिल जाता है, 540 नैनोमीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में ले लेता है और इसकी टॉप स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर की है, जिसमें आपको 71 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। और इसकी हम वन चार्ज की ड्राइव की बात करें तो वन चार्ज में आपको 282 से लेके 341 तक जो किलोमीटर का ड्राइव है वो प्रोवाइड करवा सकता है। फिर दोस्तों, जो दूसरा वेरिएंट है वो है ईट्रॉन 55 क्वाट्रो, जिसमें आपको 360 पीएस का पावर जनरेट करेगा और इसमें आपको बूस्ट मोड आता है, वो आपको सिर्फ 55 क्वाट्रो में देखने को मिलेगा, 50 क्वाट्रो में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बूस्ट मोड जब आप ऑन करोगे तो इसमें आपको 408 पीएस का पावर देखने को मिल जाएगा, फिर इसमें आपको 561 नैनोमीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप बूस्ट मोड अगर ऑन करोगे तो इसमें आपको 664 नैनोमीटर का जो है वो टॉर्क
यानी कि अप हो जाएगा। फिर हम 1 to 100 किलोमीटर की बात करें, कितनी यानी कि 66 सेकंड में ये 1 to 100 टच कर लेगा, और जो बूस्ट मोड ऑन होगा तो 5.7 सेकंड में कर लेगा। फिर आपको इसमें 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 95 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आता है, और ये वन चार्ज में आपको 369 से लेकर 441 किलोमीटर तक का ड्राइव है वो प्रोवाइड करवा देगा। और फिर जो दोस्तों थर्ड वेरिएंट जो एस वेरिएंट आता है, तो वो आपको 503 पीएस तक का पावर जनरेट करेगा, जिसमें आपको 973 नैनोमीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि 0.100 किलोमीटर सिर्फ 4.5 सेकंड में ले लेगा। और इसमें आपको 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 95 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आएगा। और ये दोस्तों आपको 317 किलोमीटर तक का ड्राइव है वो सिर्फ आपको सिंगल चार्ज में प्रोवाइड करवा देगा। दोस्तों इस कार में जो AWD है वो स्टैंडर्ड रखा गया है, यानी कि आपको सभी वेरिएंट में AWD देखने को मिल जाएगा। AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। दोस्तों जैसा मैंने बीच में कहा कि इसमें आपको जो 50 क्वार्टरो है उसमें आपको बूस्ट मोड देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें आपको जो बैटरी पैक है वो भी आपको स्मॉलर देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू 55 क्वार्टरो और एस वेरिएंट। और फिर इससे जाहिर सी बात है कि इसमें आपको जो ड्राइव है वो भी कम ऑफर करेगा। दोस्तों ये सारी बात तो मैंने ईट्रॉन की, जो ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक है वो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा ऑफर करेगा। तो जो ईट्रॉन स्पोर्ट्स बैक में आपको 3 वेरिएंट ऑफर किए जाएंगे, 50 क्वार्टरो, 55 क्वार्टरो और एस वेरिएंट, जो ईट्रॉन में आपको देखने को मिलते हैं वही सेम 3 वेरिएंट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। जो 50 क्वार्टरो है वो आपको 340 किलोमीटर का ड्राइव प्रोवाइड करेगा, 55 क्वार्टरो है वो आपको 452 किलोमीटर का ड्राइव प्रोवाइड करेगा, और जो एस वेरिएंट है वो आपको 380 किलोमीटर का ड्राइव प्रोवाइड करेगा। जो एस वेरिएंट में आपको 55 क्वार्टरो से दोनों में जो यानी कि ईट्रॉन है और ईट्रॉन जो स्पोर्ट्स बैक है उन दोनों में आपको 55 क्वार्टरो है उसके लेके आपको एस वेरिएंट में कम है वो ड्राइव प्रोवाइड मिल रही है, क्योंकि एस वेरिएंट आपको एक स्पोर्ट्स की कार की फीलिंग देगा, तो इसमें आपको पावर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ड्राइव कम देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको 150 का किलोवाट का जो चार्जर आता है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जब कार खरीदोगे तब उसके साथ ही देखने को मिल जाएगा। जिसमें जो ये 150 किलोवाट का जो चार्जर है वो आपको 95 किलोवाट आवर की बैटरी को 30 मिनट में 80% तक चार्ज कर देगा। दोस्तों इस कार में आपको और भी फीचर ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको ऑडी का वर्चुअल कॉकपिट हो गया, फिर जो ड्यूअल कंट्रोल टचस्क्रीन आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, फिर जो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है वो दिया गया है, फिर जो पेनोरामिक सनरूफ हो गया, फिर वायरलेस चार्जर का पैड आता है, फिर जो ओवर वीएम्स की जगह पर आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे, यानी कि दोनों साइड आपको कैमरा मिल जाएंगे जो ओवर वीएम्स का काम करेंगे, फिर जो केबिन का लगभग जो सभी काम होगा वो आपको टच स्क्रीन इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो कॉकपिट आता है ओडी का वर्चुअल वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको पूरी की पूरी आपको जो फ्यूचरिस्टिक आपको एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी बाहर से भी और अंदर से भी। दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात इसकी प्राइस क्या होगी, तो इसकी प्राइस आपको 1 करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसकी प्राइस आपको जगुआर आईपीएस हो गई या फिर मर्सिडीज़ की जो EQC है उसी के अराउंड आपको इसकी प्राइस है वो देखने को मिलेगी। वैसे लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी प्राइस इतनी तो बनती है, वैसे कंपनी भी ऐसी है तो इसकी प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। वैसे मैंने जगुआर आईपीएस का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मेरे को शेयर करनी थी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में।